दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बिहार से यूपी जाने का रास्ता। ठीक है, हमें कुछ बलिया में काम है, सोचा आपको भी शेयर करवा दूं। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं पैदल पैदल चल रहा हूं इस गांव में, और उसके बाद रोड पे गाड़ी खड़ी है हमारी, क्योंकि आप रास्ता जैसे आप देख रहे हो इधर गाड़ी घोड़े आने की कोई जगह नहीं है। रोड 30 सालों से इसी तरह से है, कितने मुखिया जी आए, सरकारें बदली, लेकिन अभी तक रोड ये जस का तस है, बिल्कुल नहीं बदला। आप इसे सोच सकते हो कि कितना विकास हो रहा है बिहार का। तो हम भाई रोड यूपी जाएंगे बलिया, और आज आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। कभी सोच के इतना दुख होता है कि क्या कब तक ऐसा चलेगा यार। किसको भी वोट दो, कोई ध्यान देता नहीं है। सब लोग अपने घर बनाने के चक्कर में रहते हैं, गाड़ी खरीदने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कोई समाज को यार समझ में नहीं आ रहा कि 30 सालों से रोड इसी तरह का है। आप देख सकते हो जैसे मेरे पीछे में रोड किस तरह, और अभी भी वही स्थिति है इसकी। चलो आप घुमाते बलिया शहर, आज चलते हैं। चलो आप गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके दोस्तों, हम गाड़ी में अपने बैठ चुके हैं। चलिए दिखाते हैं ब्लॉग में बलिया कैसे जाते हैं बाई रोड। मैं आपको गाड़ी इसके आगे कैमरे से दिखाता हूँ, देख सकते हैं रोड, ये बिहार का रोड है हमारे इस गांव का। गाड़ी में मस्त भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये हमारे एक दोस्त है बप्पी भाई, बप्पी ध्यान दो इधर, ये बाइक चला रहे हैं। छोटा भाई भी है साथ में, देखो थोड़ा इधर देखो जी। हम लोग सभी लोग जा रहे हैं बलिया, आज आपको शेयर कराता हूँ बलिया का। चलो बहुत गर्मी बाहर में था दोस्तों, अभी खैर अच्छा है, अभी मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है गाड़ी। हम चल रहे हैं यूपी बलिया बाई रोड। तो ब्लॉग को देखिए और वीडियो बने रहिए, आपको भी मजा आएगा ब्लॉग देखने। ये देखो रोड, ये गांव का रोड है, उतना बुरा भी नहीं है, फिर भी सही है, अच्छा खासा है। ये जो गांव है जिस गांव से हम अभी गुजर रहे हैं, इस गांव का नाम है राजपुर। इस गांव का नाम राजपुर है। ये राजपुर होते हुए रोड, ये रोड जो सीधा नियाजीपुर निकलेगा, राजपुर, नियाजीपुर, बड़का राजपुर, छोटका राजपुर, जितने ये गांव है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे गांव इधर ही पड़ते हैं। बहुत ब्रेकर है यार गांव में, गांव में अच्छा खासा लोग ब्रेकर बना कर रखते हैं। देखो यहाँ फिर ब्रेकर आ गया, मतलब कि हम अपने घर के लोगों को, बच्चों को नहीं बोलेंगे कि आप रोड पे मत जाओ, लेकिन हम अपने घर के सामने ब्रेकर जरूर बनवाएंगे, ऐसी मेंटेलिटी है यहाँ के लोगों की। अब क्या कर सकते हो, अब मजा लो रोड का। जितना एरिया है सब राजपुर इलाके में पड़ता है, राजपुर गांव में ही एरिया पड़ता है, बड़का राजपुर, मतलब यहाँ पे दो राजपुर है, बड़का राजपुर और छोटका राजपुर, ये बड़का राजपुर का एरिया पड़ता है। ये रोड है बिहार का, चलिए दिखाते हैं आपको। तो
देखिए गाड़ी का व्यू। ये बप्पी भाई है, रिंकू है, आपको बलिया सर घुमाते आज इस ब्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ। बप्पी इतनी आवाज दे दो तो नहीं लोगों की गाना सुना जो पब्लिक ज्यादा नहीं कम करो। भोजपुरी गाना का नंदी भाई कौर है हमारे बिहार में। हर गाड़ी गाड़ी में आपको प्रमाज कम करो हल्का। मस्ती डॉट इन बिहार में लगभग हर लोग अपने गाड़ी में भोजपुरी गाना ही सुनते हैं। हिंदी भी सुनते हैं ऐसी बात नहीं है, भोजपुरी गाना ज्यादा चलता है हमारे यहाँ। दादी हो गाड़ी हो देख रहे हो यहाँ भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है। आइए रोड को दिखाते हैं। नियाजीपुर गांव जो है ना वो स्टार्टिंग होता है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नियाजीपुर गांव का नजारा। ठंडा कारण ज्यादा कच्चा हो रहा है। ये नियाजीपुर गांव है जिसको बीचों बीच सड़क ही निकल रही है। गाना का नाम भी लेते रहो और ब्लॉग का भी नाम लेते रहो दोनों। दोस्तों कमेंट किया करो किसी का वीडियो आपको चाहिए हमारे चैनल पे। अभी फिलहाल दोस्तों मैं अपने गांव में हूँ तो यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं एक्टर कलाकार वो साथ में नहीं है तो मैं अभी शौक मुझे बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए सोचा कि क्यों ना ब्लॉग भी दिखाया जाए आपको। आज के समय काम था बलिया में सोचा आपको दर्शन करा देते हैं। बिहार के यूपी का देख सकते हो कोई चीज़ नहीं होता नियाजीपुर आ गए हैं। अब यहाँ से हम नियाजीपुर से लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और फिर वो रोड पकड़ेंगे ब्यासी जाने का। ब्यासी जो यूपी में ही पड़ता है लेकिन अभी रोड हम यूपी में जा सकते हैं। ऐसा है कि यूपी जो है ना आधा कट के बिहार में सटा हुआ है आधा गंगा नदी के उस पार में, मतलब कि यूपी बिहार को यहाँ पर गंगा नदी बांटती है बीच से। तो कुछ यूपी का जो क्षेत्र है वो हमारे इधर बिहार की तरफ पड़ता है तो वहाँ तक तो हम गाड़ी से चले जाएंगे। उसके बाद वो ब्रिज जाएगा जो ब्रिज बिहार और यूपी को जोड़ता है वो ब्रिज उसके बाद आएगा। ठीक है तो बने रहो। गाना भी देखो मस्त मस्त चल रहा है। गाना गाने लो
sunrise. यहाँ पर हम लोगों ने अपनी दूसरी गाड़ी को बनाने के लिए दिया। ये देखते हैं कितना काम हो रहा है उसका। दोस्तों ये गाड़ी है हमारी जिस अभी में है, और ये दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये वाली गाड़ी है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर दुकान पे दिया हुआ है, इसमें काम चल रहा है, देख सकते हो। उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए रुके हैं, थोड़ा सा उसका काम सही करवा दें। ये जो जगह है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये नियाजीपुर जगह है, ये दिखाते हैं आपको। अब देखो हमारे पीछे जो रोड है ना, ये रोड, यही रोड बलिया जाएगा ब्यासी होते हुए। हमारी गाड़ी का मुंह भी वही खड़ा है। और जो पीछे का रोड है हम दिखाते हैं आपको, ये रोड पीछे का, ये जाएगा नियाजीपुर बाजार में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, आपको दिखाता हूँ नियाजीपुर। एक जगह है सर, यहाँ शिवाजी मंदिर के पास में, जो वहाँ बहुत अच्छा दृश्य है, सीन है लेने लगे। कहाँ पे? मठिया जो है यहाँ पर, आगे में जो मार्केट खत्म होता है, नियाजीपुर रोड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी जहाँ हमारी बन रही है, क्या नाम है इस गैरेज का भाई? नहीं आवा, माँ दुर्गा मोटर नाम है गैरेज का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? रोशन चौधरी। अब मैकेनिक हो यहाँ के? दोस्तों अगर इस रोड में कहीं अगर ख़राब हो जाए आपकी, तो यहाँ पर आके दिखा लेना, इनका गैरेज का व्यू आप देख सकते हो। ये बलिया और बिहार का जो रोड है ना, जो यहाँ से नियाजीपुर से जाता है, उस रोड पर ही बिल्कुल सड़क में इनका यह गैरेज है। आप विजिट करो यहाँ का कभी भी। यहाँ पर ये रहा गैरेज का व्यू। हमारी गाड़ी में कुछ काम चल रहा है, काम हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। काम हो गया पप्पी भाई? देखिए हमारे पप्पी भाई हिलाइए। तो गाड़ी थोड़ा बंद जाने दीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे का सफर लेने चल। हमारे गाड़ी का साइलेंसर टूट गया है, उसको रिपेयरिंग करवाना है। उसने कितना टाइम लगेगा देखिए, यह साइलेंसर वहाँ से टूट गया जिसको ये बना रहे हैं। कितना टाइम लगेगा बनाने में? 5 मिनट, 15-20 मिनट। दोस्तों 15-20 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे बनाने में। देखिए उसी गैरेज में है हम लोग। तो इसको बनने दीजिए, उसके बाद बनने के बाद टूर पे चलते हैं। दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारी बन चुकी है, चलिए अब सफर पर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा बलिया का। आ जाओ। चलो अब दिखाते हैं नज़ारा बलिया का। ब्यासी गांव से पहले गांव पड़ता है गंगोली,
यहाँ से बयासी गांव का जो सरहद है स्टार्ट हो जाता है और ये गंगोली गांव है, ये नीचे नीचे हम जा रहे हैं। ये रास्ता जो है ब्रिज पे जाता है, ये रास्ता आगे वाली गाड़ी भी सरकता की यूपी जा रही है, हम भी यूपी जा रहे हैं। आ जाओ घुमाते हैं यूपी का, यूपी बिहार को कैसे जोड़ता है ये ब्रिज, ब्रिज का नज़ारा कैसा है। वीडियो में बने रहे हैं, देखते हैं। बप्पू भाई कैसा मजा आ रहा चलाने में गाड़ी? इस रोड में गाड़ी चलाना एक कला है भाई, इस रोड में गाड़ी कैसे चलाया जाएगा सबके पास की बात नहीं होती है। बप्पू भाई है कि मजा से पायलट बने हुए हैं, देख सकते हो मोबाइल में डांसिंग कर थोड़ा सा लुका रहा है। ये रोड का दृश्य दिखाते हैं आपको, जो क्षेत्र है दोस्तों इसको दियरांचल क्षेत्र बोलते हैं और यहाँ पर भोजपुरी सब दियरा बोलते हैं, दियरा यहाँ पर। अगर आप अंदर में जाएंगे तो नीलगाय, जंगली सुअर आपको बहुत काफ़ी मात्रा में, और हिरण आपको दिखेंगे काफ़ी मात्रा में, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हिरण उरण आपको दिखेगा, लेकिन अभी रोड पे नहीं है। अंदर आप जो घुसोगे तो आपको दिखेगा, देखो दीरांचल क्षेत्र कैसा होता है। ये देखो रात के टाइम में अगर आप इस रोड पर चलोगे तो दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखेगा, ना कोई आदमी की जात, कुछ नहीं दिखेगा रात को। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बच के निकल जाओगे, अपने दोस्ती मिल जाएंगे आपको लूटने के लिए लुटेरे, वो भी इस रोड पे घूमते रहते हैं रात के टाइम में। आप देखते दूर दूर तक कोई घर वर कहीं दुख नहीं रहा आपको। गाना का भी मजा लो, क्या मस्त गाना चल रहा है, कसम खाई है। हम पुल पर चढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इतना प्रॉब्लम है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे तो इतना ख़राब रास्ता, इतना ख़राब रास्ता दोस्तों, कहीं लगता है कि आधा घंटा हमें लग गया वहाँ से इस कनेक्टेड रूट को पार करने में। सबके बस की बात नहीं है कि यहाँ पर आप गाड़ी चला लोगे इस रास्ते में, या तो आप नहीं थक जाओगे या फिर गाड़ी थक जाएगी। यहाँ पर इतना संयम से गाड़ी चलाना पड़ता है, देखिए ये ब्रिज पर हम चढ़ने वाले हैं इस कनेक्टेड रोड पर। ये देखो दोस्तों ये ब्रिज पे लगभग हम चढ़ गए हैं, लेकिन अभी आगे ब्रिज है, इस रोड पे चढ़ गए हैं जो ब्रिज में के ऊपर हमें लेके जाएगी।
तो तब हम ब्रिज पर लगभग पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ गाड़ी से उतर के दिखाएंगे ब्रिज कैसा है। चलिए वीडियो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, हो सके अगर आप यूपी बिहार में रहते हो, बलिया और बक्सर के आसपास हो तो यहाँ पर आओ कभी घूमने, मजा आएगा। चलो ब्रिज का दर्शन कराते हैं आपको, वहाँ पर गाड़ी से बाहर निकल कर हम दिखाएंगे ब्रिज आपको कैसा ब्रिज है। बाहर में थोड़ा गर्मी है, ठीक है, तो दो नज़ारा ब्रिज का आगे कैमरे में अंदर। दोस्तों देखो ब्रिज पर हम चढ़ने वाले हैं, तो ये जो नदी है दोस्तों, ये एक गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, मतलब इसमें कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा कम वाला मेन गंगा नदी आगे में जुड़ी हुई है, अभी आपको दिखाएंगे। ये ब्रिज बहुत लंबी ब्रिज है, ये कितना किलोमीटर ब्रिज होगा इसका लंबाई? 60 किलोमीटर है ब्रिज की लंबाई। देखो ब्रिज की दोस्तों नज़ारा, देखो ब्रिज का। ब्रिज का नज़ारा दोस्तों, ये देखो ये गंगा नदी है, अब इसका पानी कितना बढ़ा हुआ है, जैसे पानी तो ऐसा तो हमेशा ही रहता है पानी, लेकिन कम रहता है पानी, अभी बहुत पानी का इसका लेवल जो बहुत बढ़ चुका है, और ज़्यादा लेवल बढ़ेगा पानी का, तो जितना आप ये ग्रीन ग्रीन सा ये देख रहे हैं ना इधर में देहरांचल से जो भी है, सब पानी पानी हो जाता है, पूरा पानी लबालब हो जाता है। अभी खैर पानी अभी बाढ़ तो आ रहा है, लेकिन अभी बहुत कम पानी है। लेकिन दोस्तों ये ब्रिज का नज़ारा है, देखो क्या मस्त ब्रिज का नज़ारा है, इधर लोग घूमने टहलने भी आते हैं, इधर देख सकते हैं लोगों को घूमने के लिए आते हैं इधर ब्रिज में। इस ब्रिज को देख के लगता है कि हम अपने देश में नहीं, कहीं विदेश में घूम रहे हैं। और ये जो ब्रिज है दोस्तों, मेरे पीछे जो है बलिया पड़ जाएगा यूपी, और मेरे आगे जो है वो बिहार, हम अभी बिहार से आ रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है, देखो गाड़ी का फेसिंग भी इधर है, अभी हम बिहार से आ रहे हैं और यूपी जाने वाले हैं, बलिया, जो बलिया शहर है गाने में आपने सुना होगा, आरा हिले बलिया हिले, ये वही बलिया शहर है, अभी हम जाएंगे कुछ काम है हमें बलिया शहर में। ब्रिज बहुत मस्त, हवा भी चल रहा है दोस्तों, तो मज़ा आ रहा है। मैं मुंबई में था, मुझे वहाँ पर जुहू बीच का भी यहाँ पर देख करके, जुहू बीच मरीन लाइन जो है ना, वहाँ पर मैं रात को जाता था, ऐसा ही हवा चलता था मरीन लाइन पर, वैसे सामने में
पानी था, यहाँ तो गंगा नदी है, वहाँ पर समंदर था, वही यहाँ फील हो रहा है मुझे भी दोस्तों। चलो अब चलते बलिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, कोशिश करूँगा बना के मैं डाल सकूँ आपको। देखो और हैं पप्पी और रिंकू, गाड़ी के बगल में खड़े हैं। पप्पी भाई हाय करो। हाय फ्रेंड। दोस्तों चलते हैं बलिया, चलते हैं ब्रिज ना आपने देख लिया, चलते हैं बलिया आपको दिखाते हैं। चलो अभी आओ कभी घूमने इस ब्रिज पे। चलो देखते हैं, करीबन हमने ब्रिज को आधा से अधिक पार कर चुके हैं, हम इस ब्रिज पार से भी पार कर चुके हैं और थोड़ा सा बस बचा हुआ है, उसके बाद रोड है और हम यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। और ये नज़ारा देखिए, ये पानी पानी है और उसके बीच में ये देखिए टापू, आपको दिख रहा है आइलैंड, बिल्कुल चारों तरफ पानी पानी है और बीच में थोड़ा सा यहाँ पर पानी नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा जगह है, आइए सेल्फी लीजिए यहाँ पर आके मस्त। अब देख सकते हो कुछ लड़के वहाँ वीडियो भी बना रहे हैं इस आइलैंड पे। देखिए यहाँ पर वीडियो वगैरह सब बनाने आते हैं ब्रिज पे, नंगे पुंगे होके खड़े हैं। ये ब्रिज यहाँ पर खत्म होती है। यहाँ पर ब्रिज खत्म हो जाती है दोस्तों, हम ब्रिज में आते हैं तो रोड सीधा ही बलिया चला जाएगा। और इधर भी ये अंचल क्षेत्र है आप देख सकते हो, एक पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी है, ये राज्य क्षेत्र इधर भी है। मतलब इस ब्रिज के इधर और उधर दोनों साइड इंड और शुरुआत में पुलिस चौकी है कि कुछ अनलीगल काम न हो। कितना अनलीगल काम नहीं होता इन लोग के रहते हुए भी आपको पता ही होगा। इधर भी रोड पे काम अभी चल रहा है, गिट्टी और डामर डाल के इसको प्लेन को छोड़ दिए हैं आगे से, लेकिन पक्का रोड बन चुका है। वैसे कुछ टाइम के बाद हम उस रोड पे चलेंगे, आइए चलते हैं इस रोड पे। आपको दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है, बताइए किस तरह का गाना है, कैसा लग रहा है गाना, अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करें गाने के बगल में। दोस्तों तो ब्रिज को हम तो पीछे छोड़ चुके हैं और आनंद ले रहे हैं, आप भी ब्लॉक आनंद लें। और हम लगभग बलिया पहुंच चुके हैं, तो हमें कुछ बलिया में काम है, तो हम बलिया में काम करते हैं। और आप कभी घूमने आओ इस ब्रिज पे, जब भी आपको बलिया जाना हो तो इधर नियाजीपुर होते हुए आप आना, भोजपुर सेमरी होते हुए ये रास्ता जाता है। और पीछे हम ब्रिज को छोड़ चुके हैं अभी, यहाँ से रोड बढ़िया है। दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही, अच्छा लगेगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके थैंक यू, रुको भाई पप्पी भाई, बाय दोस्तों, बाय 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 कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके थैंक यू।